हेलो दोस्तों, आज ऊटी की रेस थी और एक दो रेस आई, बाकी सारे आउट। मतलब ऐसी रेस हो रही है कि माल लगकर भी घोड़ा नहीं जीत रहा। हैंडीकैपिंग की पूरी ऐसी की तैसी करके रख दिया इन लोगों ने। ऊटी रेस है यार, ऐसी ही रेस होती है इधर। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। माल लग के ना घोड़ा जीते यार, मतलब समझ के पार हो जाता है यार कि माल लगा है घोड़े पर, जीत क्यों नहीं रहा है, घोड़ा आउट क्यों हो रहे हैं, मतलब हैंडीकेपिंग कहाँ गई है रेस में। तो ऐसे ही रेसेस हो रही हैं। ऊटी की रेस बेटर देन, थोड़ा सा सेफ खेलो यार, क्योंकि 20 तारीख को बेंगलोर स्टार्ट होने वाला है, 26 को मैसूर। अब सारे सेंटर खुल जाएंगे। सेंटर में ना जब माल लगता है घोड़े जीतते हैं, एटलीस्ट बोर्ड पर तो आते हैं यार। यहाँ पर तो माल लगे घोड़ा कहाँ से कहाँ निकल जाता है, तो मतलब बेकार सी रेस है। लेकिन कल कार्ड अच्छा लग रहा है यार, चोरी ना हुई तो पूरे बिल्कुल मतलब जबरदस्त कार्ड मेरे हिसाब से है। मेरे हैंडीकैपिंग में मतलब मोस्टली घोड़े खड़े हो जाएंगे बोर्ड पर, लेकिन ये ऊटी है, यहाँ पर कोई भी घोड़े को कॉन्फिडेंट से बोलना बहुत मुश्किल लगता है। जाकर खेल लो, अजीब सी रेस है। तो फिर भी चलो यार, कोशिश करते हैं। अब बेंगलोर स्टार्ट होगा 20 तारीख से, तो वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे। थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश करो, जहाँ पर प्रॉफिट हो जाए बंद करो, क्योंकि यहाँ पर अब समझ नहीं आता है इस रेस में आया तो नेक्स्ट रेस में आएगा कि नहीं आएगा। एक रेस में लॉस होता है तो देखो, मैं आज लॉस में गया क्योंकि यार कुछ रेस से छोड़ दिए। फिर फोर्थ रेस में खेला वो आउट हो गया, फिफ्थ रेस में खेला वो आउट हो गया, सिक्स रेस में अब दम ही नहीं था कि यार 5 और 7 को खेलने के लिए, और वहीं पर जीत गया 7 नंबर और 5 नंबर प्लेस आ गया। तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। तो चलो कल की बात करते हैं। कल के फर्स्ट रेस द बेंगलोर टॉप क्लब ट्रॉफी 14 इंटरमीडिएट की रेस है। हैंडीकैप और फर्स्ट सेट 20-45 क्लास 4 की रेस। यहाँ पर 10 घोड़े हैं। यहाँ पर मुझे 2 घोड़े पसंद हैं। एक नंबर को यार कोई मतलब चोरी ना हुई तो कोई टच भी ना करे, वो वाला घोड़ा है। क्योंकि ये घोड़ा, इसका पिछला रन को इग्नोर करो, कुछ इंसिडेंट हुआ था, चौथा लग गया था। इसका पिछला रन था 7.5 लेंथों से जीता था। तो यार घोड़ा बिल्कुल जीतना चाहिए इजीली। तो अभी सॉफ्ट हॉर्स पर भी भाव जीत चुका है, तो ये घोड़ा कल बिल्कुल जीतना चाहिए यार। भाव क्या पता नहीं, 50-60 पैसे, लेकिन घोड़ा यार बिल्कुल मतलब इस क्लास में कोई टच भी ना करे इसको, लेकिन थोड़ा सा संभल कर यार। और दूसरा घोड़ा है हॉर्स नंबर 7 बॉयमान स्टार। यार लास्ट टाइम क्लास 5 में जीता हुआ है, टॉप वेट में, सॉरी सेकंड हुआ है टॉप वेट में। अभी सेम कंपनी का है यार, पूरा बॉटम वेट पे जा रहा है और साफ सारी अलाउंस का भी बेनिफिट हो रहा है। यार ट्रैक में भी अच्छा दिखा रहा है, तो अपसेट कर सकता है ये घोड़ा, देख लेना। फर्स्ट चॉइस है हॉर्स नंबर 1 रॉयल आइकॉन जॉकी मोहित सिंह फॉर इम्प्रेस, और दूसरा घोड़ा है हॉर्स नंबर 7 बोहेमन स्टार जॉकी शाहपर इज़ आंसरी फॉर प्लेस। अब बात करते हैं सेकंड रेस, द श्रीमती गायत्री देवी मेमोरियल ट्रॉफी 1200 मीटर की मेडन हॉर्स 3 ईयर ओल्ड ओनली। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 8 नॉटी वंडर जॉकी एशिया अमित फॉर इम्प्रेस। ये मेडन रेस क्लास 5 रेस से छोड़ा करो, क्योंकि कुछ भी होता रहता है इधर, तो कहीं से कोई निकल के मार दे तो पैसे गए। तो देखने में तो 2 ही घोड़े में फाइट लग रही है, हॉर्स नंबर 8 और हॉर्स नंबर 7, इन्हीं दोनों के बीच में रेस लग रही है। और दूसरी बात, कल रामास्वामी के घोड़े पर नज़र रखना यार, अच्छे घोड़े हैं। और दूसरा शिव में सारे अच्छे घोड़े पर बैठा है, कहाँ मारेगा कहाँ चलाएगा ये पता नहीं। आज तो पूरा बेवकूफ़ बना रहा था, फर्स्ट रेस में कहाँ से निकाल के जिता दिया और बाकी सारे घोड़े आउट कर दिए। मतलब जो घोड़े जीतते जीतते आउट, तो ऐसे ही हो रहा था। तो कल सारे घोड़े पे शिव मैच बैठा है यार, 2-3 दिन तो मारना चाहिए अगर ट्राई करता है तो। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द डॉक्टर MM रामास्वामी मेमोरियल स्टेक्स 1400 मीटर की रेस है। टर्म है रेसेस 4 ईयर्स ओल्ड एंड ओवर 11:30 को है। यार मेरे हिसाब से 2 घोड़े में फाइट है, हॉर्स नंबर 4 एंड हॉर्स नंबर 2।
सेम क्लास में एक ही रेस में भागे हुए हैं, 135 रेस में। एक नंबर वहाँ पर 10वां लगा था, 2 नंबर स्टम्बल हुआ था तो थोड़ा आउट हुआ था, और 4 नंबर सेकंड लगा था। और ये दोनों मॉक रेस एक साथ भागे हुए हैं, अभी टीम में दे रहे थे, 2 नंबर प्राइसलेस गोल्ड और इम्पीरियल ब्लू। तो इन्हीं दोनों के बीच में रेस होना चाहिए यार, तो जोड़ी बना के इनके लो, अच्छा भाव मिलता है तो। नहीं तो फर्स्ट चॉइस है मेरी हॉर्स नंबर 2 प्राइसलेस गोल्ड, जो कि एसनर टू फोर्थ प्लेस, क्योंकि लास्ट टाइम स्टम्बल वन था, इंसिडेंट हुआ था, तो बिल्कुल यार कल बोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं, और अच्छा घोड़ा है। मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों के बीच में रेस है, हॉर्स नंबर 2 प्राइसलेस गोल्ड जो कि एसनर टू, एंड हॉर्स नंबर 4 इम्पीरियल ब्लू जो कि ह्यूमस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, द नीलगिरीज डर्बी स्टेक्स ग्रेड 1, 1600 मीटर की रेस है, टर्म पर इंडियन हॉर्सेस 3 रोड ओनली, 12 बजे। यहाँ पर 9 घोड़े हैं, यहाँ पर मुझे दो दो तीन घोड़ों में फाइट लग रही है, थोड़ा बता देता हूँ। 2 नंबर गोल्डन वॉरियर लास्ट टाइम 2000 गिनीज में यार स्लो निकला था, कल देखना है इसको कहीं अच्छे से गेट से निकला और उड़ाना जैसे पूरी रेस को। और 3 नंबर लास्ट टाइम यार स्लो निकला, मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ था, अब 5 नंबर ने उसको चेक दिया था तो घोड़ा सेकंड लग गया था, और उस दिन घोड़ा पूरा विनर लग रहा था यार, हार गया मतलब डिसअपॉइंटेड। लेकिन कल यार घोड़ा बिल्कुल जीतना चाहिए, मतलब एक तो कंपनी भी अच्छी है और प्रसन्ना कुमार का घोड़ा ट्राई भी होते हैं यार, तो कल ही बिल्कुल जीतना चाहिए, अगर प्लेस मिल जाता तो दबा के प्लेस देख लेना, मतलब हॉट फेवरेट हो तो थोड़ा सा संभल कर, लेकिन यार घोड़ा जीतना चाहिए। और 5 नंबर है, इसी ने बीट किया है 3 नंबर को, ट्रैक अच्छा जा रहा है, 5 नंबर का अच्छे मतलब अच्छा जीता था, तो कल यार जीत ये फिर दोबारा रिपीट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 3 और 5 के बीच में अगेन रेस होनी चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच में कोई एक घोड़ा जीतना चाहिए, देखते हैं अच्छा भाव मिलता है तो जोड़ी बना के खेलेंगे। नहीं तो फर्स्ट चॉइस है हॉर्स नंबर 3 नोटी चामर जो कि अक्षय कुमार फॉर उनके। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, द मैसूर रेस क्लब ट्रॉफी, 1600 मीटर की रेस है, एनडी के पर हॉर्सेड 20-45 क्लास 4 की रेस है, 12:30 को। यहाँ पर 9 घोड़े हैं, चोरी हो जाए मर जाए कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यार 4 नंबर को कोई टच भी ना करे वो घोड़ा है इधर, मतलब पूरे दिन का बेस्ट घोड़ा है इधर 4 नंबर, मतलब अगर चोरी नहीं होगी तो कोई इसको टच भी नहीं करेगा, और प्लेस मिलती है तो पूरे डे बेस्ट प्लेस है, कल के पूरे दिन का घोड़ा है ये, सिंगल ही रेस में मतलब सिंगल ही घोड़ा है कार्ड में। रेस नंबर 5 हॉर्स नंबर 4 वंडरफुल एरा जो कि शिव में फॉर इन प्लेस। अब बात करते हैं सिक्स रेस, द हैदराबाद रेस क्लब ट्रॉफी, 1200 मीटर की रेस है, ए हैंडी कैप और हॉर्स रेटेड 20-45 क्लास 4 की रेस है, 1 बजे। यहाँ पर 10 घोड़े हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 1 शेर रॉक्स जो कि पी शाई कुमार फॉर प्लेस। प्लेस के लो बेटर है, मिलियन भागा हुआ है घोड़ा, अच्छा घोड़ा है, बिल्कुल प्लेस आना चाहिए, लास्ट टाइम 2003 में 4था लगा था, प्लेस मिलती है तो प्लेस खेलो। 3 नंबर पसंद है थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं सीमेस बैक टू बैक कितना मारेगा ये भी देखने वाली बात होगी, तो 1 नंबर का प्लेस खेलना बेटर है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं सेवेंथ रेस, द टॉप अथॉरिटी ट्रॉफी डिवीजन 1, 1200 मीटर की रेस है, ए हैंडी कैप और हॉर्स रेटेड 40-65 क्लास 3 की रेस है, 4 ईयर ओल्ड एंड ओवर, 20-39 एलिजिबल, 130 को ही रेस है। यहाँ पर 10 घोड़े हैं, 5 नंबर या लास्ट टाइम 50 पैसे में पीटा था घोड़ा, तो का मतलब पेडक में विनर लग रहा था लेकिन फिर भी घोड़ा आउट हो गया, तो यही प्रॉब्लम है ऊटी में कि यार घोड़ा विनर लगते हैं पेडक में लेकिन घोड़े जीतते नहीं, बाकी सेंटर में ऐसा नहीं होता यार, मतलब विनर लगते ही घोड़े आराम से जीत जाते हैं, इधर तो कुछ अलग ही लेवल की बकवास है। तो 5 नंबर जीतना चाहिए यार, एक मतलब शिव में तो सारे घोड़ों पे बैठा है, पता नहीं कहाँ कितना मारेगा,
ये 5 नंबर को मैं नहीं खेलने वाला। मुझे जो पसंद है हॉर्स नंबर 10 डांसिंग ग्रेस, जॉकी पी शय कुमार फॉर प्लेस। लास्ट टाइम इंक्वायरी ओपन हुई थी, लास्ट टाइम यार रन अच्छा था, स्टील में भाग रहा था मणिकंदन के नीचे। अभी शूज चेंज कर रहे हैं, अच्छा जॉकी को बिठाया है, लास्ट पोजीशन से लेके आया था, फिफ्थ हुआ था, मतलब रन अच्छा था यार। बिल्कुल बोर्ड पे आना चाहिए, प्लेस तो बिल्कुल आना चाहिए यार। प्लेस मिले तो प्लेस खेलो, सेफ है। अब बात करते हैं 8th रेस, लास्ट रेस, द टॉप अथॉरिटीज ट्रॉफी डिवीजन 2, 1200 मीटर की रेस है। हैंडीकेपर हॉर्स रेटेड 40-65, क्लास 3 की, 4 ईयर ओल्ड एंड ओवर, 20-13 है एलिजिबल। 2 बजे ये रेस है, दो घोड़ों में फाइट है यहाँ पर, बिल्कुल दो घोड़ों में, दूसरा तीसरा घोड़ा घुसना नहीं चाहिए। फर्स्ट चॉइस है हॉर्स नंबर 2 एडमिरल शॉ, जो कि पी शय कुमार, और दूसरा घोड़ा हॉर्स नंबर 6 गिन्सबर्ग, जो कि गगनदीप मान। अरे गगनदीप मान ने इसको लास्ट टाइम गेट से स्लो निकला था, अभी यही गेट प्रैक्टिस दे के आया है, ट्रैक अच्छा जा रहा है और घोड़ा भी अच्छा है यार, बिल्कुल मतलब गेट से सही निकला तो फ्रंट रनर है, सेकंड थर्ड पोजीशन में बैठ के उड़ा देगा सबको। तो मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों के बीच में रेस होनी चाहिए। फर्स्ट चॉइस है हॉर्स नंबर 2 एडमिरल शॉ, जो कि पी शय कुमार फॉर इन प्लेस, और दूसरा घोड़ा है हॉर्स नंबर 6 गिन्सबर्ग, जो कि गगनदीप मान फॉर प्लेस मे बी विन। तो मुझे यही दोनों घोड़े समझ में आ रहे हैं और इन्हीं दोनों के बीच में रेस होनी चाहिए। तो यार कार्ड तो मतलब आउटस्टैंडिंग लग रहा है मेरे हैंडीकैपिंग में, लेकिन चोरी हो रही है तो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी यार एक फर्स्ट टेस्ट में 1 नंबर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बोर्ड से, मतलब बोर्ड पे बिल्कुल जीतना चाहिए यार, कुछ भी हो जाए, चोरी ना हुई तो। और दूसरा दूसरी रेस में भी 8 नंबर प्लेस तो बिल्कुल आना चाहिए, देखते हैं क्या भाव खुलता है। थर्ड रेस में इन्हीं दोनों के बीच में रेस होनी चाहिए, 2 और 4 के बीच में, और यहाँ पर तनोटी चार्मर बिल्कुल जीतना चाहिए। लास्ट टाइम पेडक में विनर लग रहा था, इंसिडेंट हुआ था, हरा था, बिल्कुल पोटेंशियल यार, मतलब आराम से जीतना चाहिए, देखते हैं। 1, 3 और 5 के बीच में रेस होनी चाहिए, और तीसरा घोड़ा मुझे समझ में आया, तीसरा घोड़ा अगर मारेगा तो ये गोल्डन वॉरियर, मतलब लास्ट टाइम गेट से स्लो निकला था, कल गेट से सही निकला तो अपसेट कर सकता है, इसको ध्यान रखना बस। और ये 5 नंबर रेस में यार ये 4 नंबर ना हारना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब बस चोरी ना हो तो ये घोड़ा पूरे दिन का बेस्ट घोड़ा है। फर्स्ट में 1 नंबर और फिफ्थ में 4 नंबर, ये पूरा दिन का बेस्ट से बेस्ट घोड़ा है यार, बोर्ड से नहीं हटनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, देखते हैं प्लेस मिले तो पूरा डे बेस्ट प्लेस है दोनों की मेरे हिसाब, मेरे हैंडीकेपिंग में। तो देखिए क्या भाव खुलता है, क्या बैटिंग होती है। तो और लास्ट रेस में ये 2 नंबर और 6 नंबर, मतलब 2 नंबर और 6 नंबर, इन्हीं दोनों के बीच में रेस होनी चाहिए। तो कार्ड अच्छा लग रहा है यार, ऐसा नहीं कि ख़राब है, मतलब मेरे हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब कल लॉस नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से खेलो, जहाँ पर प्रॉफिट हो जाए बंद करो, अब 20 तारीख तक वेट करना पड़ेगा अपना सेंटर स्टार्ट होने के लिए। आई होप कल आपका दिन अच्छा जाए, कल एटलीस्ट प्रॉफिट में जाएं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं डेली की रेस में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, गुड बाय।